नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। ओपन जिम के नाम पर युवाओं से धोखा। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को शारीरिक एक्सरसाइज करने के उद्देश्य से ओपन जिम की घोषणा की थी, ताकि हमारे युवा स्वस्थ और फिट रहे। योजना तो शुरू हुई, लेकिन 17,960 रुपए में कैसे ओपन जिम स्थापित हो सकता है? आप देख सकते हैं, 17,960 रुपए में हॉरिजेंटल व पैरेलल वॉल लगाकर ओपन जिम की इतिश्री कर दी। युवा कल्याण विभाग ने इस प्रकार जनपद में 1,174 ग्राम पंचायत के महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को 14,228 रुपए स्वावलंबन योजना के तहत बांटे जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 550 महिला मंगल दल व 603 युवक मंगल दलों को ये राशियाँ बांटी गई है और 665 युवक मंगल दलों को ओपन जिम की धनराशि बांटी जा चुकी है। वहीं युवक मंगल दल ने सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित इस प्रकार के ओपन जिम को न काफ़ी बताया, साथ ही विभाग के अधिकारियों भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की ओपन जिम की घोषणा अब हवा हवाई साबित हो रही है और युवाओं के साथ धोखा किया गया है। मेरा नाम अभिषेक है। ये ओपन जिम सरकार द्वारा बनवाने के लिए बोला गया था, जिसको हमको 17,960 रुपए मिले थे। और ओपन जिम तो नाम का ही है खाली, जो हमको बेनिफिट नहीं मिला और हमको काफ़ी कमियाँ हैं इसमें, जो हमको जिम में उपलब्ध होनी चाहिए थी। क्या क्या चाहिए जिम में? इसके लिए हमको जैसे उपकरण हो गया, डंपल्स हो गए, सिटअप्स मारने के हो गए, चेस्ट का हो गया और काफ़ी प्रकार के रनिंग का हो गया, रनिंग मशीन हो गई, काफ़ी प्रकार की जिम सामग्रियाँ आती हैं, वो हमको प्राप्त होनी चाहिए थी। ये उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दल महिला युवक को 14,268 रुपया की सामग्री क्रय करने के लिए, जो खेल सामग्री, सांस्कृतिक सामग्री, बैठने के लिए चेयर, उनके प्रस्ताव जो थे उसके अनुसार उनको DBT के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण किया गया है, जिसमें युवक और महिला मंगल दल को मिलाते हुए 1,153 दलों को पैसा भुगतान किया गया। ओपन जिम में क्या था? ओपन जिम में 17,960 रुपये की धनराशि वे ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए, ये 1,174 इस जनपद में ग्राम पंचायतें हैं, उनको प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जिम स्थापित करने के लिए, ओपन जिम स्थापित करने के लिए 17,960 की धनराशि दी गई थी, जिसमें से कि कुल 665 दलों को यहां से DPT के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई है महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के खातों में। ओपन जिम के लिए क्या था, क्या खरीदना है, क्या लगाना है? उसमें हॉरिजॉन्टल वार और पैरेलल वार एक एक लगने थे और उस पर एक बोर्ड लगना था जो कि उस योजना को प्रदर्शित करता। क्या आप मानते हैं कि ओपन जिम के लिए इतना काफ़ी है? ये धारणा शायद ये थी कि हमारे जो युवा हैं, जो आर्मी के लिए, पुलिस के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो वार्म अप करते हुए वहाँ पे चिन अप की प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए इनको सार्वजनिक स्थानों पे लगाया गया है। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।